पाकिस्तान में तालिबान ने कह डाली भारत के संदर्भ में बड़ी बात। पाकिस्तान का पाला सांप हो गया आज उसी का नाजायज। पाकिस्तान के सपनों का देखिए कैसे हुआ विस्फोट। आज अपने फैसले पर रो रहा है पाकिस्तान। दोस्तों, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है तब से वह सुर्खियों में है। आए दिन कोई न कोई वार्ता, कोई न कोई कांड, कोई न कोई सम्मेलन की वजह से तालिबान एक गर्म मुद्दा बना ही रहता है। अब हाल ही में तालिबान तब सुर्खियों में था जब भारत ने अफगानिस्तान को एक सम्मेलन में आमंत्रित किया था। उसके बाद तालिबान की तरफ से भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था और यही ताज्जुब की बात थी जो सुर्खियों में भी खूब रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर तालिबान सुर्खियों में है और इस बार भी वही समान वजह है। एक बार फिर से तालिबान ने भारत को लेकर ऐसा बयान दे डाला है जिससे सबकी नजरें तालिबान पर है। ऐसा क्या कह डाला है तालिबान ने, आइए आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने ये बयान दे डाला कि उनका देश भारत सहित किसी भी देश के साथ संघर्ष नहीं चाहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि तालिबान के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में कार्यवाहक रहे विदेश मंत्री अभी पाकिस्तान के दौरे पर हैं और पाकिस्तान में एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने ये बात कही। दोस्तों, अब इस तरह के बयान से क्या मतलब निकलता है ये तो बस तालिबान ही बता सकते हैं। हालांकि हम तो यही तर्क लगा रहे हैं कि तालिबानी सत्ता इस बात को समझ गई है कि भले ही उसने अफगानिस्तान पर अपना बल देकर उस पर काबू पा लिया, लेकिन अफगानिस्तान पर अपना राज चलाने के लिए उसे अब बल की नहीं बल्कि बुद्धि की जरूरत है जिससे वो अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता चला पाने में सफल हो पाए। और उसे भारत से बड़ा और अच्छा सहयोगी कोई और नहीं दिख रहा है। खैर, चलिए वापस वीडियो पे लौटते हैं। दोस्तों, मुत्ताकी ने यह टिप्पणी बीबीसी उर्दू से बात करते हुए की। यह एक महिला पत्रकार के साथ उसका पहला साक्षात्कार भी था। महिला पत्रकार ने मुत्ताकी से तालिबान सरकार के तहत नई दिल्ली के साथ अफगानिस्तान के संबंधों के बारे में सवाल किया था, जिस पर तालिबान की तरफ से मुत्ताकी ने ये बयान दे डाला। मुत्ताकी ने कहा, हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान का किसी अन्य देश के साथ संघर्ष हो या ऐसी चुनौतियां हों जो हमारे देश को प्रभावित कर सकती है, इसीलिए हम इस मुद्दे पर काम करना जारी रखेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या अफगानिस्तान के भारत के साथ घनिष्ठ संबंध होने पर चीन या पाकिस्तान की ओर से कोई प्रतिक्रिया हुई है, मुत्ताकी ने इसका कोई सीधा जवाब देने के बजाय मॉस्को में हाल की बैठकों का उल्लेख किया। दोस्तों, जिस हिसाब से उसने इस प्रश्न को घुमाया वो उसके लिए तो बड़ा काबिले तारीफ है, लेकिन ये बयान इसको किस ओर ले जा रहा है ये पूरी दुनिया समझ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब तालिबान ने कोई प्रश्न पूछे जाने पर इस तरह से उसे घुमाया है, ये उसकी आदतों में तो शुरू से ही शुमार है। हालांकि मुत्ताकी ने आगे कहा, जब हमने मॉस्को सम्मेलन में हिस्सा लिया तो भारत, पाकिस्तान और कई अन्य देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। हमने सकारात्मक बातचीत की और उम्मीद है कि हम किसी भी देश का विरोध नहीं करेंगे। मुत्ताकी की यह टिप्पणी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर 8 देशों के संवाद की अध्यक्षता किए जाने के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, आइए अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि उस बैठक में कौन कौन से संकल्प लिए गए थे। दोस्तों, संवाद में शामिल देशों ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि अफगानिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का पनाहगाह नहीं बनने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने काबुल में एक खुली और सही मायने में समावेशी सरकार का गठन करने का आह्वान किया। सुरक्षा संवाद के अंत में इन 8 देशों ने एक घोषणा पत्र में यह बात दोहराई कि आतंकवादी गतिविधियों को पनाह, प्रशिक्षण, साजिश रचने देने या वित्त पोषण करने में अफगान भूभाग का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि भारत का सदैव ही देशों के प्रति मित्रतापूर्ण रवैया ही रहा है।
और जो इस बार भारत ने कदम उठाए हैं उसी की बात हो रही है। भारत दिल से चाहता है कि आतंकवाद अफगानिस्तान की सतह से हमेशा के लिए छूमंतर हो जाए और इसीलिए पूरी दुनिया के सामने इस तरह के सम्मेलन में इस तरह की बात हुई जिसे बाकी देशों ने साथ भी दिया। दोस्तों आइए अब आपको हम वो बताते हैं जिसे लेकर आप भी चौंकने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तालिबान औरतों को लेकर कितना सख्त रहा है और खास करके महिलाओं की शिक्षा को लेकर उसका रवैया कभी भी सही नहीं रहा है। ऐसे कई घटने देखे गए हैं जिसमें महिलाओं की शिक्षा से वंचित करने के लिए तालिबानियों ने कई अभद्रतापूर्ण कार्य भी कर दिए हैं। अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे जरा आप गौर से सुनिएगा। दोस्तों 11 सितंबर के हमलों के तुरंत बाद अमेरिका द्वारा सत्ता से बेदखल किए गए तालिबान ने अगस्त के मध्य में अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया था। महिला शिक्षा पर पूछे गए एक सवाल पर मुत्ताकी ने इस बात को खारिज किया कि अफगान महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों से बाहर रखा जा रहा है। उसने कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं की 100% भागीदारी है, वे शिक्षा के क्षेत्र में भी पढ़ा रही हैं, वे हर उस क्षेत्र में काम कर रही हैं जहां उनकी जरूरत है। अब ये कितना सही है ये तो अफगानिस्तान की महिलाएं ही बता सकती हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही तालिबान ने एक बार और महिलाओं की शिक्षा की बात पूरी दुनिया के सामने खुलेआम की थी, लेकिन जब बाद में कुछ रिपोर्ट सामने आई तो उसमें साफ साफ ये देखा गया कि तालिबान ने महिलाओं की शिक्षा को सिवाय मजाक के और कुछ नहीं समझा है। दोस्तों तालिबानियों ने इसके अलावा TTP पर भी बड़ा बयान दे डाला है, आइए आपको हम वो भी बताते हैं। उसने कहा कि तालिबान सरकार ने पिछली सरकार के तहत काम करने वाली किसी भी महिला अधिकारी को नौकरी से नहीं निकाला। हालांकि उसने स्वीकार किया कि कुछ क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान अभी भी बंद हैं, लेकिन कहा कि यह COVID-19 महामारी के कारण है। अफगान तालिबान के नेता ने स्वीकार किया कि उनका देश पाकिस्तान और प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के बीच मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि उसने कहा कि प्रक्रिया की शुरुआत अच्छी रही और एक महीने के संघर्ष विराम की घोषणा की गई है। दोस्तों मुत्ताकी ने इस्लामिक स्टेट को बहुत ही बड़ा खतरा बताया है। मुत्ताकी ने स्वीकार किया कि इस्लामिक स्टेट एक खतरा है, लेकिन घोषणा की कि तालिबान सरकार ने इसे देश के एक बड़े हिस्से से खत्म कर दिया है। उसने कहा दुनिया में कहीं भी कुछ छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं। पहले अफगानिस्तान का 70% हिस्सा इस्लामिक अमीरात के नियंत्रण में था, अब तालिबान ने इन क्षेत्रों से उसकी उपस्थिति समाप्त कर दी है। मुत्ताकी ने कहा कि तालिबान ने एक समावेशी सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांग को पूरा किया जो अफगान समाज में सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व करती है। उसने दुनिया से उनकी सरकार को मान्यता देने का आग्रह किया है। दोस्तों हालांकि ऐसा कई बार ऐसा देखा गया है कि तालिबानियों के कथनी और करनी में बहुत अधिक अंतर रहा है। अब ये तो आगे देखने वाली बात होगी कि तालिबान जो आज कह रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन यहाँ अगर थोड़ी बहुत खुश होने वाली बात है तो वो ये है कि तालिबान ने पाकिस्तान में भारत के संदर्भ में बयान दे डाला है और ये पाकिस्तान के लिए किसी मिर्ची से कम नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान अब तक तो तालिबान के साथ मिलकर भारत पर हमले करने की कोशिशें कर रहा था और आज उसी का पाला सांप उसी की दूध पी के उसी को काटने पे लगा है, तो पाकिस्तान का दुखी होना तो बनता है ना दोस्तों, बेचारे पाकिस्तानी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।